जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू ए का यूनिट नंबर 5 परस्तान की शहज़ादी हमने स्टार्ट किया था। पेज नंबर 32 तक उसकी रीडिंग कंप्लीट है। आइए पेज नंबर 33 से फर्स्ट पैराग्राफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10 पेज नंबर 33 फर्स्ट पैराग्राफ। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे। मतलब सैयद अनी भी अपनी कैफियत बयान कर रही है कि मैं पालकी में बैठी आगे आगे जा रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, खौफ के मारे मुझ पर कपकपी तारी हो रही थी, डर से नहीं हैरानी से। यानी मेरे दिल में खुदा के डर के सिवा किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन मैं हैरान थी कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं। यानी अपने मैं हैरानगी में मुबला हो गई थी। मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परस्तान की सैर है। परस्तान परियों का देश सैर है, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी तो होता है या नहीं। मतलब मैंने इधर ही तो नहीं बैठे रहना, मैंने अपने घर भी जाना है। इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैयदा ने भी आओ, मिजाज तो अच्छा है, मतलब तबीयत अच्छी है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी, तुम्हें बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ है। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ, और हजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कोई कसर ही क्या रही, कसर अंडरलाइन करें, कमी ही क्या रह गई थी। सदके मौला के नाम पर, यानी अल्लाह ताला के नाम पर मैं सदके जाऊं, बादशाह और सारे दरबारी सुरुकत अंडरलाइन करें दरासकत खड़े हो गए। और बादशाह फरमाने लगे, सैयदा ने भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है, यानी हम सैयद लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान, और अब किसी बात का डर नहीं, खौफ नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनाहगार ना करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की क्या बात, क्यों ना थी, एक अकेली, दूसरे सुनसान अंडरलाइन के वीरान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी, ऐसी खौफनाक थी कि मेरे औसान जाते रहे, मेरे होश गुम होते रहे, मैं होश में ना रही। ये सुन के शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है। बकर गधा मुआ अंडरलाइन करें, बकरे और गधे का इम्तिजाज, यानी चेहरा बकरे का और जिसामा जो है गधे की तरह मिली जुली, शरीर है शरारती है, उसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी, अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे, यानी मेरे पेट में अंडरलाइन करें होल उठने लगे, खौफ महसूस होने लगा कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो। मतलब ज़ाहिर तो मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बकर गधे की तरह ना हो। और बोला बोला कर चारों तरफ, यानी बौखला कर हैरान होकर मैं चारों तरफ देखने लगी, इधर उधर देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा शक हो गया है। वो मुस्करा कर बोली, सैयदाने भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा तरह तरह के किस्म किस्म की शक्लों के होते हैं। हातिर जमा रखो, अंडरलाइन करें, हातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या दो बुरी सूरत बनाकर बुरी शक्ल बनाकर नहीं आएगा। लास्ट पैराग्राफ। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे, ख्वान दस्तर ख्वान उतरने लगे, खासा चुना गया, खास लोगों के लिए जो खाना बनाया गया वो निकाला गया। खाना क्या था? अल्लाह ताला की कुदरत की करिश्मा साजियाँ थी, अल्लाह की करिश्मा साजियाँ थी कि एक एक बालश्त अंडरलाइन करें उंगली के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे, भरे हुए सामने थे। खुशबू की लपेटें आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, मगर मैं खाती क्या, ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन और ना ही लाओ नाजर था। हक्का बक्का हैरान होकर, अंडरलाइन करें हक्का बक्का, हैरान होकर
एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्करा कर बोली, सैयदाना भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ यानी हाथ आगे करो और जो भी दिल करता है वो खाओ। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं। मतलब उसकी मर्ज़ी का ना पुलाव था, ना जरदा था, ना कोई बिरयानी, ना कोरमा। तो वो हैरान थी कि ये सारे सिर्फ फल और सब फल वगैरह ही खाते हैं, फूल खाते हैं। तो कहती है, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं। ये निगोड़े निकम्मा निकारा। आ जाएं पेज नंबर 34 पर, फर्स्ट पैराग्राफ। दरख्त है और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। मतलब इतने वो प्यारे नफीस थे कि आर्टिफिशियल महसूस होते थे। शहजादी अलहर ने, दोशीज़ा नौजवान ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका यानी ज़ोर का कहका लगाया और कहने लगी, सैयदा नबी जैसा सुना था कि आदमजाद अंडरलाइन करें, इंसान बड़ा भोला बड़ा मासूम होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई भी फल तोड़ो और खाओ तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द जो फल तोड़ कर मैंने मुँह में रखा, क्या कहूँ। दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोनर पुलाव, सबस चने का पुलाव खाया होगा। मीर साहिब की बीवी बोनर पुलाव जो घर में छोड़ के गई थी वही पहले याद आया, उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम्हारे दिल में था कि मैं अपने घर में वो छोड़ कर आई हूँ, तो क्या वही मुझे आगे भी जाकर खाने को मिलेगा। बड़ी लड़की किले में तो आप हो जाया करती थी, क्या वहाँ भी किसी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया। मतलब अब वो कहती हैं कि मैं तो किले में भी जाया करती थी लेकिन जो जायका परस्तान में था वहाँ उस तरह का जायका जो है ज़मीन पर मैंने नहीं देखा या सुना या पाया। स्टूडेंट्स 34 पेज फर्स्ट पैराग्राफ तक रीडिंग कंप्लीट है। आपने इसके वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरह याद करने हैं और इस पैराग्राफ को, इस स्टोरी को आपने बार बार पढ़ना है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और कुछ लेंथी भी है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके तो आपको जल्दी इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी। और आपने वर्ड्स मीनिंग क्लास में स्टूडेंट्स याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।